मोबाइल गया इसकी कान में। अरे भाई क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? चौकी में क्या, चौकी में गाई के लिए? नहीं मेरे को जाने का ही नहीं, मेरी मर्जी। मेरी वीडियो अपलोड किया, मेरा काम है। तूने क्यों अपलोड किया? मेरा काम है अपलोड करना। नहीं मेरे को जाने का ही नहीं। तेरी बम, तेरी जो है ना ये, इसका ऐसा ठोकूंगा ना तू भी याद करेगा। वो देखिए कौन ठोकेगा। नहीं मेरे को जाने जाने का। वो भाई पूरा फोड़ डालूंगा तेरी। ऐसा कैसा फोड़े हो तुम? जबरदस्ती क्या? उसकी टुकड़े बजा दूंगा आगे। कुछ कुड़ी मार दूंगा। आज अपने पास अपनी बिल्लू है एंड गाइस अपने साथ साबिर है। तो गाइस अपन लोग कहीं जाने वाले, तो गाइस सबसे पहले अपन लोग अपनी बाइक लेके पेट्रोल पंप पे जाने वाले। तो गाइस यहाँ से अपन चलते पेट्रोल पंप पे एंड गाइस उसके बाद क्या करें क्या नहीं करें मैं आप लोगों को बता दूँ। तो गाइस बने रहो इस ब्लॉग में। तो गाइस सीन ऐसा है कि अपने बिल्लो में पेट्रोल कम है एंड गाइस अपन लोग सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाएंगे एंड गाइस बिल्लो में पेट्रोल डालेंगे एंड गाइस उसके बाद अपन क्या करें क्या नहीं करेंगे मैं आप लोगों को बता दूँ। तो गाइस सबसे पहले चलते अपन पेट्रोल पंप पे। और गाइस मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म ही होने वाला है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। भुरभुर कर रही है गाड़ी। तो गाइस मुझे बहुत सारा डर लग रहा है। तो गाइस चलते ही आ गया पेट्रोल पंप एंड गाइस सबसे पहले पेट्रोल और गाइस ये ख़त्म हो गया। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अरे कुछ नहीं बचा चाचा के पास। अरे महंगाई डाइन मार रहे थे। 10 रुपये पेट्रोल डालो। 10 रुपये का पेट्रोल डालो चाचा। अरे 1 रुपया कम डाले यार तुम। इतना भारी पेट्रोल हो गया गाड़ी एवरेज नहीं देती यार तुम। ऐसा टेंशन लेते बताओ ऐसा बोलू तुम अपने हो लेकिन ऐसा हो गया तो 1 रुपया क्या करे सब चले गए। और बाकी बढ़िया बाकी ठीक है। चलो पेट्रोल पंप वाले बेचारे ठीक है। तो भाई चलते हैं आके। तो भाई अपन लोग अभी पेट्रोल भर लिए हैं गाइस। अपन पेट्रोल भर के आए हैं गाइस। ये देखो बिल्डिंग फूट चुकी है हमारे एरिया की। बिल्डिंग है नाला सोपारा वेस्ट पुलिस स्टेशन के बाजू में बिल्डिंग थी गाइस। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग थी एंड गाइस 2 दिन के अंदर मैं देख रहा हूँ अचानक से टूट गई है। क्या हो गया पता नहीं। नाला सोपारा पुलिस स्टेशन के बाजू में एंड गाइस अपन लोग यहाँ से भी स्ट्रेट जा रहे हैं। दोपहर के बज रहे 2। और गाइस आज अपने लोगों को कहीं जाने का घूमने के लिए एकदम मस्त प्लेस भी आएंगे। तो गाइस सबसे पहले अपन लोग बिल्लो को पार्किंग में लगाते हैं एंड गाइस चेरी बम निकालेंगे। फिर चेरी बम निकाल के अपन कहीं जाएंगे घूमने के लिए एंड गाइस आज अपने लोगों को बहुत मजा आने वाली है। बहुत मतलब बहुत मजा आने वाली है। तो गाइस चलते हैं अपनी चेरी बम में एंड गाइस आज बहुत गंदी है मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। और गाइस बहुत धूप हो रही है तो अभी हीट कितनी होने वाली है आप लोगों को पता ही है। मतलब चटके लगने वाले गाइस चेरी बम में। तो गाइस अपन लोग यहाँ पे बैठते और चलते गाइस। सबसे पहले घर पे चलते एंड गाइस मुझे फ्रेश होने का एंड साबिर को भी फ्रेश होने का। तो गाइस फ्रेश हो गए कपड़े चेंज करके आते। तो गाइस चेरी बम पार करते एंड गाइस घर पे चलते फ्रेश होके आते एंड थोड़े टाइम बाद मिलते हम लोग। तो गाइस चलो सीन ऐसा है कि अपन लोग फ्रेश होके आगे एंड गाइस अपन लोग चेरी बम लेके साबिर के पास चलते उसको भी रिसीव करके उसके बाद अपन कहीं जाएंगे। तो गाइस गाइस जस्ट अभी साबिर के पास आए एंड गाइस साबिर आ रहा है तो गाइस उसको लेते हैं गाइस चलते हैं अपन लोग। तो देखो गाइस ये साबिर आ चुका है वो भी चेंज होके फ्रेश होके आ गया है एंड गाइस इसमें बहुत टाइम लगा जाने के लिए। मतलब अलीशा के पास जाने का अलीशा को भी लेने का। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं अलीशा के यहाँ एंड गाइस उसको लेते हैं। ये साबिर है एंड गाइस ये अलीशा आ रही है देखो सामने से मुझे कुछ देने के लिए आ रही है लगता है। तो गाइस देखते हाई यहीं से कर रही है एंड गाइस को बिठाते साबिर भाई थोड़ा पीछे जाएंगे थोड़ा नहीं पूरा जाएंगे। तो गाइस अभी अलीशा बैठी है एंड गाइस अलीशा को लेके अपने लोग कहीं जाने का है। कहीं जाएंगे अच्छी सी प्लेस पे गाइस मतलब जहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है क्योंकि गाइस बहुत गर्म हो रहा है आगे हाई। तो गाइस अपन लोग यहाँ से चलते हैं। सो गाइस देखो ये क्या बोल रही है 5 दिन बाद नहीं मिलाओ 5 घंटे बाद मिलाओ गाइस अभी। अच्छा मतलब कितने दिन से नहीं मिली है ये मेरे वीडियोस देख के बताती है। 5 दिन से मिला नहीं हो 5 दिन के वीडियो में ये नहीं है तो बोलती है 5 दिन मिले नहीं। नहीं नॉर्मली मिलती है यूट्यूब पे 5 दिन बाद मिलती है। मतलब डायरेक्टली 5 दिन बाद देखो गाइस सिग्नल लग चुके है। मतलब ये सिग्नल वाला सीन ना गाइस बहुत ही
समझ में नहीं आता गाइस, जब भी आता तो गाइस सिग्नल फटाक से लग जाता है, तो गाइस सिग्नल जाएगा। अपन लोग ने अपनी चेरी बॉम्ब यहाँ पे लगा दी है, एंड गाइस अलीशा है साबिर, हम लोग यहाँ पे गाइस इस सीढ़ी पे चढ़ते आ रहे गाइस। ये 100 सीढ़ी 200 सीढ़ी है ना, ये 550 सीढ़ी गाइस चढ़ने वाले, तो गाइस चलते हैं यहाँ से सीढ़ी से, सीढ़ी पे चढ़ेंगे। एंड गाइस ये नकली रोजदार, असली रोजदार, इसको भी लेके चलने गाइस। हम लोग चढ़ रहे इस सीढ़ी से, तो गाइस ये सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो चुकी है। एंड गाइस ये आ गया कि चल रही है, तो गाइस अपन चलते हैं ऊपर, बहुत सारा ऊपर बहुत अच्छा प्लेस है गाइस, एकदम ठंडा प्लेस है, तो गाइस चलते हैं यहाँ से अपन लोग और ऊपर मिलते हैं। गाइस देख सकते हो ऊपर से नीचे का कुछ सीन, ये सीन है गाइस, ये सीधा सीधा विरार दिखता है। एंड गाइस अपनी चेरी बॉम देखो, वहाँ पे खड़ी चेरी बॉम। और गाइस ये दरगाह है, पहाड़ी की दरगाह, जिसका नाम है इशाक शाह बाबा। तो गाइस अपन ऊपर चलते हैं, देन थोड़ा आराम करें। गाइस अभी इसको मारने का मन कर रहा है, देखो गाइस क्यों मार, बहुत टेढ़ी चाली कर दी थी गाइस, इसके वजह से मेरा ट्राइपॉड गिर गया था गाइस, इनकी गलती है, मेरे को इसके वजह से ना मेरा उड़ी मार मार दे। तो गाइस अपन लोग ऊपर चढ़ गए, एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ का एरिया अपने साथ है। एंड गाइस हम लोग यहाँ पे आए पहाड़ी पे घूमने के लिए, और गाइस यहाँ पे एकदम ही कूल हवा आ रही है, मतलब बाहर इतनी गर्मी है ना, एंड गाइस यहाँ पे इतनी ठंडी है ना। और गाइस साबिर देखो कहाँ पे खड़ा है, वो वहाँ पे जाके अपना कुछ शूट कर रहा। तो गाइस यहाँ का एरिया देखो, यहाँ पे पहले भी आ चुका है, एंड गाइस आप लोगों को बता चुका हूँ, ये गाइस हम लोग के एरिया के बाजू का कॉमन एरिया है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जो है ना कभी भी घूमते रहे, तो गाइस ये पहाड़ी वाला इलाका है। एंड गाइस सामने जो है ना फन फिस्टा थिएटर है, तो गाइस वो भी तुम लोगों को बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एकदम बैठने का एकदम चिल और एकदम रिलैक्स फील होता है गाइस। ये सामने श्रीपस्ता एरिया, एंड गाइस फन फिस्टा थिएटर, और गाइस ये हम लोग यहाँ की टाकी जिससे सब लोग को पानी आता है। एंड गाइस सबसे ज़्यादा इस गरीब लोग को पानी आता है, ये गरीब को पानी आता है, इसकी बिल्डिंग को पानी आता रहेगा, पता नहीं आता है कि नहीं, आता है मेरे बिल्डिंग में हर आधे घंटे आता है, हर आधे घंटे ही आता है, सिर्फ आधे घंटे 9 बजे आता है, सिर्फ आधा घंटा आता है गाइस। ये इनके इधर का टाकी नहीं, तो फिर किसके इधर का टाकी है? अच्छा ये इधर वाले का टाकी है। और गाइस देखो ये टाकी वाड़ा का टाकी है, टाकी वाड़ा का बंदा बोला है टाकी वाड़ा का टाकी है, पहाड़ी वाला एरिया है। एंड गाइस ये आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पे पीछे साइड दरगाह है। और गाइस अपन लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे बहुत घूम लिए, बहुत अच्छी हवा आई, बहुत चिल किए, रिलैक्स किए। एंड गाइस हम लोग अभी चले गए, और देखो ये सुसाइड करने आ रही है गाइस, देखो ये सुसाइड करने आ रही है ऊपर से। तो गाइस हम लोग पहाड़ से बोलो, तो गाइस हमें पहाड़ी दरगाह पे आए, ये पहाड़ी दरगाह पे इसको बोलने भी नहीं आ रहा, आता है मेरे को, आता है, तुम मेरे को क्या जुड़ गई। तो गाइस इसको यूट्यूबर बनना है, बट ये नकली यूट्यूबर है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब मैं आईशा तो आई हूँ बहुत बार, पर मेरे में आज तक मेरा आईडिया नहीं है मेरे बगैर। तो हम नीचे जा रहे, उतर रहे। एंड गाइस ये सीढ़ी से हम लोग नीचे उतरे, फर्स्ट गाइस हम लोग को ये दरगाह जो है ना घूम के हो चुका है। तो गाइस अपनी चेरी बॉम नीचे खड़ी, तो गाइस चलते हैं यहाँ से। एंड गाइस साबिर पीछे से आ रहा है। तो गाइस देखो ये सीढ़ी, एंड गाइस हम लोग यहाँ से उतर रहे, सीढ़ी से उतर रहे। और गाइस देख सकते हैं ये पूरा जो ना पूरा ईस्ट का एरिया दिखता है यहाँ। तो गाइस जस्ट अभी चेरी बॉम निकाले, एंड गाइस अपन लोग अपने घर पर आ रहे हैं। एंड गाइस अलीशा को छोड़ेंगे उसके घर पर। गाइस किसी को अपनी चेरी बॉम से निकाल के फेंकने वाले हैं, और ऐसा फेंकेंगे ना उसको क्या पता नहीं फिर कितने, मुझे बोल रहे हैं मेरे को मारो, मुझे तुझे नहीं बोलना है। जैसा कि अभी अलीशा जा रही है, बाय बाय। यस तो गाइस ये जा रही है, एंड गाइस अपन लोग यहाँ जाएंगे, क्योंकि गाइस शाम का वक्त हो चुका है। एंड गाइस अपन चलते हैं, ये आगे बैठ गया, तो गाइस अपन यहाँ से चलते हैं। ऐसा कि अपन लोग ने चेरी बॉम पार कर दिए, एंड गाइस अपन लोग जा रहे अपनी बिल्लो के पास। एंड गाइस बिल्लो निकाल, चेरी बॉम लगा दिए पार्किंग में। एंड गाइस अपन लोग कहीं चलने वाले, तो गाइस पहले अपने बिल्लो को निकालते हैं। एंड गाइस चलते हैं, चेरी बॉम लगा दिए। एंड गाइस अपने एक फ्रेंड से राहिल से मिलने जाने का, तो गाइस अपन लोग फ्री पस्ता है,
तो भाई यहाँ से अपन लोग चलेंगे। अरे तो यहाँ से लेना। अरे यहाँ से भी सीधा शॉर्टकट रास्ता है। लेट क्या अभी क्या टाइम क्या अभी एक घंटा तो बाकी चलेगा। तो गाइस देख सकते हैं ये फोर्थ रोड है एंड गाइस हम लोग को राहिल से मिलने जाने का है। तो गाइस ये वाला शॉर्टकट एंड गाइस ये बोलता है कि लॉन्ग कट है भाई। यहाँ पहुँचते ना यार भाई, यहाँ से रोज आते रहते हो गाइस। तो ये बोलता है क्या ऐसा ऐसा सीन है। तो गाइस ऐसा सीन है कि अपने लोग को अभी राहिल से मिलने जाने का है। उसने जस्ट कॉल किया था मुझे। तो गाइस अभी उससे मिलते हैं एंड देखते क्या बोले है क्या नहीं। उसको थोड़ा सा मेरे से काम था तो गाइस वो काम जो है ना पूरा हो जाएगा। तो गाइस आज रोजे का दिन है तो उसको अफ्तारी लेने के लिए कहीं जाने का था मेरे से। क्या भाई क्या वो भाई गाली क्यों दे रहे भाई। अरे तो मेरा काम है, मैं यूट्यूबर हूँ। अरे भाई मेरा काम है। अरे भाई उस दिन भी तुम बोल लेते। ये क्या बात हो गई। ये वीडियो तूने क्यों अपलोड किया मेरे को। अरे भाई मेरा काम है ये, समझे क्या। रखो तुम्हारे पास फोन, ये मोबाइल गया इसकी जान। अरे भाई ये क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। चौकी में क्या चौकी में गाई ले। नहीं मेरे को जाने का ही नहीं, मेरी मर्जी। मेरी वीडियो अपलोड किया, मेरा काम है। तूने क्यों अपलोड किया। मेरा काम है अपलोड करना। नहीं मेरे को जाने का ही नहीं। तेरी बॉम्ब तेरी जो है ना ये ऐसा ठोकूंगा ना तू याद करेगा। वो देखिए कौन ठोकेगा। नहीं मेरे को जाने जाने वो भाई पूरा फोड़ डालूंगा। ऐसा कैसा फोड़ेगा तू, जबरदस्ती क्या। उसकी टुकड़े बजा दूंगा आगे, कुछ नहीं तोड़ डालूंगा तेरी चेहरी। हाँ चलेगा ठीक है, चलो हाँ चलो चौकी चले। हाँ चलो देखते चलो। गाइस सीन ऐसा था कि भाई दूसरे टाइम झगड़ा कर रहे थे। गाइस मैंने पहली वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी क्योंकि गाइस मेरा वो डेली व्लॉग था। तो गाइस इनको समझ में नहीं आ रहा और गाइस वो आप लोग की वजह से वायरल हो गई वीडियो और ये भाई के नजर में भी आ गए। तो भाई एकदम से गुस्सा होगा मेरी वीडियो छपरी बोल के क्यों तूने अपलोड कर दिया। तो गाइस मैंने इनका ऐसा मेरे बोलने का कुछ भी इंटेंशन नहीं था और गाइस ये गलत समझ बैठे थे। तो गाइस आज हम लोग का शॉर्ट आउट हो चुका है, इनको समझा दिया। इससे कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो है। तो गाइस देख लो इनसे ही बात कर रहे। एक बंदा था हमारा जो उन्होंने मिलके सॉर्ट आउट कर दिया। तो गाइस ये आज खत्म हो चुका है एंड गाइस ये हमारे मिस्टर एयरटेल डॉक्टर वाले जो भी इनका सब सेटल हो गया, मतलब सब खत्म हो चुका है। तो गाइस इनसे बात करो आप। भाई आपने मोबाइल दिए मेरा तोड़े वो, थैंक यू। और ऐसा भी आगे से ऐसी वीडियो वायरल मत करो। काम है रोज का डेली ब्लॉग काम, क्यों वायरल करूँ मेरा रोज। लेकिन भाई मेरे को सब लोग बोलने लगे तो झगड़ा बिगड़ा। अपन डॉक्टर सिम कार्ड वाले, अपना काम रहता है किसी का बंद हुए सिम कार्ड चालू करना। और अगर और ये अच्छी बात थी कि आपने सेटलमेंट कर दी, नहीं तो आपके जितने धंधे के सिम कार्ड थे सब बंद करने वाला था मैं। और जब मैं बंद करता तो कोई चालू नहीं कर पाता है, लेकिन आपने सेटलमेंट दिया और भाई ने मेरे को नया 18,000 का अच्छा वाला मोबाइल दे दिए। और थैंक यू भी बोलूंगा और सॉरी भी बोलूंगा। गाली गलौज की रात मिलो। ओके तो गाइस बहुत ही मीठे तरीके से हम लोग का शॉर्ट आउट हो चुका। मेरे पास एक फोन पड़ा था वो उनको दे दिया, एकदम ऐसा नॉन यूज में था तो गाइस वो फोन दे दिया। एंड गाइस ये डॉक्टर सिम कार्ड वाले एयरटेल का सिम कार्ड या कोई भी सिम कार्ड, कोई भी कंपनी का सिम कार्ड बंद होता तो ये गाइस एक्टिवेट कर देते। कुछ भी रहे सिम कार्ड है कोई भी मसला रहे तो वो काम करे। तो फाइनली हम लोग का हो चुका है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।